मान के चलता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज़ चालू की है, जिसका आज सेकंड वीडियो है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 5th का। सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट वीडियो बता दूं कि फ़र्स्ट वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया था। अगर किसी ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को देखें, तो आप लोग कंटिन्यूटी के अंदर रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने आप मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील के अंदर, कि स्टील हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, ग्रे और ब्लीच ग्रे अलॉय ऑफ आयरन का बने हुआ होता है। स्टील वर्सटाइल स्ट्रक्चर मटेरियल है जो बिल्डिंग के अंदर, रेलवेज़ के अंदर, ब्रिजेस के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि एडवांटेज ऑफ स्टील, स्टील के क्या एडवांटेज है। जैसा कि स्टील की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट हैज़ मैनी गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मैलेबिलिटी। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, मैलेबिलिटी क्या होता है, अगर मेरे पास कोई स्टील की रॉड है और उसे मैं कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये जो स्टील की रॉड है ये डिफॉर्म होगी, मतलब ये बेंड होगी, लेकिन जल्दी टूटेगी नहीं, जल्दी रप्चर नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। सेम इसी की तरह डक्टिलिटी क्या होता है, कि जब मेरे पास कोई स्टील की रॉड है और उसे मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये डिफॉर्म होगी, मतलब इसकी लेंथ चेंज होगी, लेकिन ये जल्दी टूटेगी नहीं। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। सेकेंड वन एडवांटेज था, स्टील इज़ इजी टू फैब्रिकेट एट डिज़ायर शेप एंड साइज़। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी शेप और कोई भी साइज़ के अंदर आप लोग स्टील को मेल्ट करके बना सकते हैं। थर्ड वन था, स्टील इज़ गैस रेजिस्टेंट। फोर्थ वन, स्टील स्ट्रक्चर हैज़ लॉन्ग लाइफ। साथ साथ हम लोगों ने डिसएडवांटेज देखे थे, कि डिसएडवांटेज में था सब्जेक्टेड टू कोरोजन, कोरोजन लगता है उसको, हम लोग को एंटी कोरोजिव पेंट अप्लाई करना पड़ता है। स्टील इज़ कॉस्टली मटेरियल, 50 to 60 kg, 50 to 60 rupees पर kg मिलता है। थर्ड वन, इसकी लेबर की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन, मैंने आप लोगों को ओवरव्यू ऑफ कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स बताया था। फर्स्ट वन था स्टील टावर टू सपोर्ट द ट्रांसमिशन लाइन्स, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, एंटीनास के लिए हम लोग स्टील टावर का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन मैंने आप लोगों को बताया था रूफ ट्रस, रूफ ट्रस का फंक्शन है टू कवर रूफ ऑफ द स्ट्रक्चर। थर्ड वन था स्टील ब्रिज, रिवर वैली के पास हम लोग को अगर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाना है तो हम लोग स्टील ब्रिजेस का यूज़ करते थे। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था गेंट्री गर्डर, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो भी मशीनरीज, जो भी हेवी मटेरियल्स है उसको वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र करने के लिए कैंट्री गर्डर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन बताया था स्टील वाटर टैंक, स्टील वाटर टैंक का फंक्शन ये है कि हम लोग को वो एक स्टील के टैंक के अंदर अल्कली, अल्कोहल, बेंजीन, ये लिक्विड्स को हम लोग को स्टोर करने के लिए स्टील टैंक का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन हम लोगों ने पढ़ा था प्रीस्ट्रेस स्टील टैंक, अगर आपके पास कोई भी लिक्विड जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक आपको रखना है तो उसके लिए आप लोग प्रीस्ट्रेस स्टील टैंक यूज़ करते हो। नेक्स्ट वन स्टील चिमनी टू एमिट फ्यूल गैसेस इन द एटमॉस्फियर, हम लोग चिमनीज का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि अगर इसकी हाइट 40 मीटर से कम है तो स्मॉल चिमनी कहेंगे, और 40 मीटर से ज़्यादा है तो लार्ज चिमनीज कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्टील कॉलम्स, स्टील कॉलम्स, कॉलम जब भी आएगा तो आप लोग को पता है टू बियर द कॉम्प्रेसिव लोड, कॉम्प्रेसिव लोड को बियर करने के लिए स्टील कॉलम यूज़ होता है। जनरली हम बिल्डिंग्स के अंदर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर स्टील कॉलम्स का यूज़ नहीं करते, हम लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टील कॉलम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज के वीडियो के अंदर मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड, स्टील स्ट्रक्चर के कौन से सेक्शन जो हम मार्केट में यूज़ करते हैं और कौन सा सेक्शन किधर यूज़ होगा, कौन सा सेक्शन के क्या टाइप है, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं आई सेक्शन से।
आई सेक्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने इमेज के अंदर आप लोगों को बताया है। आई सेक्शन ऐसा होता है, ये ऊपर का जो पोर्शन होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैंज, ये हो गया फ्लैंज, इसको बोलते हैं वेब, ये हो गया वेब, ये इसकी हाइट रहती है, ये बॉटम फ्लैंज, ये टॉप फ्लैंज, ये वेब, टी थिकनेस ऑफ फ्लैंज होता है, ये टोटल हाइट एच। इसके अंदर देखिए अलग अलग आई सेक्शन के टाइप मिलते हैं, जैसा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम जिसे हम ISJB के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम जो कि हम लोग ISLB के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम ISMB, नेक्स्ट वन आता है इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइट फ्लैंज बीम ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन ISSC के नाम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। बेसिकली जहाँ कहीं भी हम लोग, सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में ये आता है कि आई सेक्शन यूज़ कहाँ हो सकता है। आई सेक्शन हम लोग एज अ बीम और कॉलम आई सेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। आई सेक्शन का और एक नाम है रोल्ड स्टील जॉइस्ट। अगर रोल्ड स्टील जॉइस्ट अगर कहीं दिखेगा तो आप उसको आई सेक्शन ही कंसिडर करना। सेवन इसकी जो मिनिमम साइज़ है वो 75 to 50 mm है। 75 मतलब ये जो हाइट है वो 75 रहेगी मिनिमम, और जो फ्लैंज विड्थ है जिसे हम बी के नाम से डिनोट करते हैं वो 50 रहेगी। सेम मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो अवेलेबल साइज़ है वो 600 बाय 2100। थिकनेस कम ज़्यादा वेरी होता है डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। हम लोग मार्केट के अंदर से कोई भी थिकनेस का ले सकते हैं, लेकिन इस मिनिमम ये साइज़ अवेलेबल है और मैक्सिमम ये साइज़ आई सेक्शंस के अंदर अवेलेबल है। हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड फर्स्ट वन देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम जो होता है वो कार के टॉप के ऊपर, कार के जो फ्लोर रहता है वहाँ पे हम लोग जूनियर बीम वहाँ पे लगाते हैं। ये एक सेकेंडरी बीम होती है, मतलब कि जिसके ऊपर एकदम लाइट वेट आता है। कार के चेसिस के अंदर जूनियर बीम का यूज़ होता है। सेकेंड वन इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। लाइट बीम ये लाइट वेट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मीडियम वेट। मीडियम वेट बेसिकली जब भी आप लोग आई सेक्शन के बारे में पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ ISMB का आएगा। ISMB का इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग हर जगह जो यूज़ करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम यूज़ करते हैं। क्या होता है इसका जो MI IX6 ज़्यादा होता है, ये जब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस लूँगा तो वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू YX6, जिसलिए हमेशा हम लोग इसको हॉरिजेंटल ही रखते हैं। नेक्स्ट वन आता है जब अगर जहाँ कहीं भी बकलिंग ज़्यादा हो, जहाँ कहीं भी बकलिंग ज़्यादा हो और लोकल फेरियल ऑफ वेब हो, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल टूटने के चांसेस हो तो वो कंडीशन में इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम हम लोग यूज़ करते हैं। ये जनरली गर्डर्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ISWB वाइड फ्लैंज बीम। वाइड फ्लैंज के अंदर आप लोगों ने रेलवे का देखा होगा, रेलवे के अंदर क्या होता है टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन दोनों का साइज़ सेम नहीं होता है, आपको अलग अलग साइज़ का मिलेगा। टॉप वाला थोड़ा सा कम रहेगा, बॉटम वाला ज़्यादा रहेगा, बॉटम वाइड फ्लैंज रहता है। नेक्स्ट वन इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, ये भी कॉलम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन आप लोग देखिए, चैनल सेक्शन के अंदर दो फ्लैंज रहेंगे, ये देखिए BF से इसको इंडिकेट किया जाता है, दो फ्लैंज रहते हैं, एक वेब रहता है, एक वेब दो फ्लैंज रहेंगे इसके अंदर। इसके अंदर ये जो चैनल सेक्शन है वो हम लोग यूज़ करते हैं
बिल्टअप सेक्शन के लिए। हम लोग डायरेक्टली चैनल सेक्शन हम लोग कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि चैनल सेक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो मिलती है। हॉरिजेंटली आप लोग इसको कट करेंगे तो ये पोर्शन सेम रहेगा, लेकिन जब वर्टिकली आप लोग इसको कट करते हो तो वर्टिकल एक्सिस से जो सिमेट्री है वो नहीं मिलती है। इसकी वजह से इसका जो सी जी आता है वो चैनल सेक्शन के अंदर आता है। आप जब आई सेक्शन देखोगे या आई सेक्शन का सी जी यहीं पर मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि टॉप बॉटम दोनों अगर सेम है तो इसका सी जी यहाँ पर आएगा। लेकिन इसमें कैसा हो रहा है, इसमें देखिए सी जी यहाँ पे आ रहा है, इसलिए बेंडिंग के लिए इसको बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग। बीम के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते कभी भी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग इसको दोनों को बिल्टअप के लिए, मतलब ये एक चैनल सेक्शन और ये चैनल सेक्शन दोनों को कंबाइन करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉलम, एज अ कॉलम हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जब हम लोग दोनों को इस तरह से कनेक्टेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेसिंग बैटनिंग, तो हम लोग को एक अच्छा सा हॉलो सेक्शन मिलता है जिसमें से मैं कोई भी पाइप वगैरह इजीली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसके भी अलग अलग टाइप है, फर्स्ट वन इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल विथ पैरेलल फ्रेम, ये नाम से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। अगर आप लोग इसके मिनिमम साइजेस देखेंगे तो चैनल सेक्शन का मिनिमम साइज़ 100x45 रहता है, 100x45। तो मैक्सिमम अगर आप साइज़ देखेंगे वो मैक्सिमम साइज जाता है 400x100। ये साइज़ में अवेलेबल है मार्केट में। आपको जो भी सेक्शन, अगर चैनल सेक्शन का जो भी साइज़ अगर आपको लेना है तो आप लोग ये सेक्शन के अंदर से, ये साइज़ के अंदर से मार्केट से मंगा सकते हो। थर्ड वन आता है टी सेक्शन। टी सेक्शन जब भी आप लोग पढ़ोगे तो टी सेक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, टी सेक्शन भी ये ट्रस के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, स्टील रूफ ट्रस और बिल्टअप सेक्शन के लिए यूज़ होता है टी सेक्शन। यहाँ पे देखिए ये एक फ्लैंज रहेगा, सिर्फ एक सिंगल फ्लैंज है और एक वेब रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे आप इमेज के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बीम, ISLT, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट टी बीम, ISMT, ISNT, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लॉग लेग टी बीम, ISHD, ISDT, इंडियन स्टैंडर्ड डीप लेग टी बीम। इसके अंदर भी मिनिमम साइज़ आप लोग को 20x20x3 mm, तो 150x150x10 mm तक मिलता है। लास्ट वन है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन कुछ ऐसा रहता है, एंगल सेक्शन कॉम्प्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के लिए दोनों के लिए भी यूज़ होता है ट्रसेस के अंदर। एंगल सेक्शन के अंदर दो टाइप्स है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। जब बेस और हाइट दोनों भी सेम होती है उसे हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन कहते हैं। जब अगर हाइट और बेस दोनों अलग अलग साइज़ के हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल सेक्शन कहते हैं। इसका भी साइज़ 20x20
बाय 3 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम साइज 200 बाय 200 बाय 25 तक अवेलेबल है मार्केट के अंदर। देखिए एग्ज़ाम में जो आप लोग को इतना कुछ एक्सप्लेनेशन पेपर में नहीं पूछता है, आप लोग को सिर्फ डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। खाली मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो साइजेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये टोटली स्टील टेबल से लिए भी है। आप लोग एक स्टील टेबल मार्केट के अंदर मिलता है जो कि 25 to 30 रुपीज़ का मिलता है। आप लोग डिप्लोमा में हो, आप लोग जब ये डिज़ाइन करोगे स्टील सेक्शंस, तो आप लोग को स्टील टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आप लोग को वैल्यूज़ गिवन रहते हैं। लेकिन जब आप डिग्री में जाते हो तो एक स्टील टेबल आप लोग को एग्ज़ाम में तक अलाउड रहता है। अगर आप अभी उसको परचेस कर लोगे तो आपको बाद में भी उसका बेनिफिट मिलता है। जब लोग आप लोग स्टील टेबल देखोगे तो स्टील टेबल के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये एक सेक्शन ले रहा हूँ एल सेक्शन, तो इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है। लाइक सबसे पहले वेट, वेट पर मीटर इन केजी। मार्केट के अंदर आपको ये साइज़ का अगर लेना है तो इसका वेट कितना होगा, देन इसका एरिया कितना होगा, देन इसकी डेप्थ ऑफ सेक्शन कितनी है, उसके बाद विड्थ ऑफ फ्लैंज कितना है, विड्थ ऑफ फ्लैंज मिलता है, विड्थ ऑफ वेब मिलता है, IXX, IYY, RXS, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये पूरी चीज़ स्टील टेबल में अवेलेबल है। आप जब भी डिज़ाइन करते हो तो आप लोग को जब डिज़ाइनिंग के लिए IXX, IYY ये जो चीज़ें लगती है, तो आप डायरेक्टली स्टील टेबल से वैल्यूज़ ले सकते हो। आप लोग को इसका एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका एक्स IXX, IYY जो आप लोग ने मैकेनिक्स के अंदर पढ़े थे CG के अंदर और MI के अंदर, जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट था आपका फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर आप लोगों ने निकाला होगा इसका MI, और मैकेनिक्स में CG निकाला होगा। यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज़ गिवन है। जब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग उसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करना। मेन टॉपिक पे आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है ड्रॉ एनी 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टील सेक्शंस, ड्रॉ एनी 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टील सेक्शंस, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे हुआ है। आप लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, ट्यूब और पाइप, फ्लैट और प्लेट्स, बस ये इसमें से कोई चार बेसिकली एग्ज़ाम में तो हम लोग ये चार ही ड्रॉ करते हैं। लेकिन आप लोग अगर ये पूरे ड्रॉ करेंगे तो एग्ज़ामिनर पे एक अच्छा इफ़ेक्ट गिरेगा। बाकी जो मैंने ये बताया, ये इसके जो टाइप्स है ये याद रखने हैं आप लोगों को, क्या आई सेक्शन के अंदर जो है ISJB, ISLB, ISMB, ISHB, ISWB, ISSC, ये अलग अलग नाम, सिर्फ आप लोग याद रखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये लिख लेना। चैनल सेक्शन के भी उसी तरह 1, 2, 3, 4 नाम अलग अलग है, जो टी सेक्शंस के अंदर भी है और एंगल सेक्शन के अंदर भी है। इसको ड्रॉ कर लो फास्ट। एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अलग आया तो आप लोग उसको, जैसा कि एक मरतबा पूछे हुआ है समर 2018 के अंदर, लिस्ट एनी 4 कॉमन स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन यूज विद देयर एप्लीकेशंस, मतलब स्टील कॉमन आई सेक्शन, स्टील सेक्शन यूज्ड एंड देयर एप्लीकेशन, एनी 4 कॉमन स्टैंडर्ड टाइप्स। तो आप ये 1, 2, 3, 4 के टाइप्स विथ यूजेस लिख दो, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ IS कोड। लिस्ट ऑफ IS कोड के अंदर फर्स्ट वन है डायमेंशंस ऑफ हॉट रोल्ड स्टील बार, कॉलम, चैनल एंड एंगल सेक्शन, ये सब डायमेंशंस और इसके पूरे प्रॉपर्टीज़ IS 8081989 में गिवन है। मैं आप लोग को बता दूँ IS कोड के अंदर ये जो टर्म रहता है 808, ये है कोड, क्या है कोड,
और 1989 ये होता है ईयर जिसके अंदर ये हाईएस्ट कोड मार्केट में आया है। सेकेंड वन फॉर स्टील स्ट्रक्चर, स्टील एस पर अगर आप लोग टोटल स्टील का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कंक्रीट का यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टील है, तो वहाँ पे आप लोग को ये आईएस कोड्स देखने पड़ेंगे। आईएस कोड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आईएस कोड क्या होता है, कि एक इंडियन स्टैंडर्ड एक कोड बुक है जिसके अंदर हम लोग को पूरे वैल्यूज़ अवेलेबल रहेंगे। हम लोग वहाँ से वो डायरेक्टली वैल्यूज़ और वो फॉर्मूलेज और उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लेते हैं। नेक्स्ट वन आता है स्टील रेनफोर्स कंक्रीट। स्टील रेनफोर्स कंक्रीट अगर आप लोग रेनफोर्स आरसीसी के अंदर कुछ बना रहे हो तो आप लोग IS-432, IS-1139, IS-1786, IS-2090 ये चारों आईएस कोड रेफर करोगे। नेक्स्ट है स्टील फॉर बार्स एंड रिवेट ईटीसी। अगर आप लोग बार्स और रिवेट और वेल्डेड दो अलग अलग टॉपिक्स से जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, आप लोग अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि बार्स और रिवेट का जहां पर भी वर्ड आएगा तो आप लोग को ये आईएस कोड देखना होगा, IS-1148, IS-1149, IS-1570, IS-2073, IS-7383, IS-4431, IS-4432, IS-5517। नेक्स्ट वन है स्टील फॉर ट्यूब्स एंड पाइप्स। जहाँ पर भी आप स्टील के ट्यूब और पाइप यूज़ कर रहे हो तो आप लोग को ये तीन आईएस कोड रेफ़र करने होंगे, IS-1239, IS-1914, IS-1978। फॉर कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर IS-800-2007 ये प्रैक्टिस कोड ऑफ प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का आईएस कोड मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिप्लोमा में नहीं लेकिन डिग्री के अंदर ये एग्ज़ाम में आपको लिख जाना होता है जिसके अंदर से हम लोग वैल्यूज़ लेकर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फॉर साइज़ ऑफ वेल्डेड एंड स्ट्रीट इन द वेल्ड, जब आप लोग वेल्डिंग करते हो स्टील स्ट्रक्चर के अंदर तो उसके अंदर हम लोग कितनी वेल्डिंग करना है और वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग गैप कितना होता है और वेल्डिंग की थिकनेस कितनी लेनी है, वो सब IS-8-16-1969 से हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट वन आ जाइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड टू बी कंसीडर वाइल डिज़ाइनिंग अ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर जब आप लोग को डिज़ाइन करना पड़ता है या आप लोग कर रहे हो तो कौन से लोड आएंगे, तो फर्स्ट वन हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम से हम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, डेड लोड ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर। देखिए ये एक मेंबर है आपका, ये एक मेंबर है, ये यहाँ पे आपका स्लैब है, ठीक है, ये आपका फाउंडेशन है, ये सब क्या है, डेड लोड। डेड लोड इसको कहते हैं जो परमानेंटली अवेलेबल है, वो मूव नहीं हो सकता है, वो एक मरतबा आपने जो चीज़ बना दी है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम आप कंसिडर करो कि अब ये मेरे पास ये कॉलम है तो अब ये मूव होगा क्या, नहीं होगा, ये एक परमानेंट फिक्स है, ये पॉइंट से कभी ये हिलेगा नहीं, इसे कहते हैं हम लोग डेड लोड। तो जब स्टील के अंदर आप लोग डिज़ाइन करोगे तो डेड लोड के जो वैल्यूज़ है और डेड लोड का जो भी क्राइटेरिया है वो IS-875-1987 Part 1 के अंदर से हम लोग लेंगे। सेकेंड वन है लाइव लोड। लाइव लोड क्या होता है, ऐसा लोड जो मूवेबल लोड है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए ये कबर्ड है, आज ये कबर्ड यहाँ है, फॉर कल हो सकता है कि मैं इसको किधर दूसरी तरफ मूव कर लूँ, ये मेरे पास बेड है, ठीक है, ये बेड ये क्या है अभी पर्टिकुलर टाइम के लिए तो वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा है लेकिन वो परमानेंटली रहेगा क्या वहाँ पे, नहीं, मैं उसको मूव कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं लाइव लोड, जो IS-875-1987 Part 2 में गिवन है। थर्ड वन विंड लोड। अब देखिए आपका घर है तो विंड तो आएगा, विंड के अंदर क्या होता है, विंड कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, जैसे हम लोग विंड इन एक्स डायरेक्शन कहते हैं, विंड इन वाई डायरेक्शन होता है, तो आप लोग को विंड के लिए भी कंसिडर करना पड़ता है कि जब मेरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर जब मैंने ट्रस ट्रस बनाया है या स्टील टावर बनाया है तो उसके ऊपर विंड का जो इफेक्ट आता है
और विंड के क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो IS-875/1987 Part 3 में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन आता है स्नो लोड। स्नो लोड जो टॉप के ऊपर स्नो की वजह से लोड आता है वो स्नो लोड कहलाता है। नेक्स्ट वन सिस्मिक लोड। सिस्मिक लोड जो बेस शेयर की वजह से बॉटम के अंदर आता है बिल्डिंग के अंदर, ये बेसिकली 5 अलग अलग टाइप के लोड है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, सिस्मिक लोड। जब आप लोग कोई भी स्टील स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये 5 लोड्स आप लोग को कंसीडर करना है बनाते समय, और इसका एक कॉम्बिनेशन होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड कॉम्बिनेशन, डेड लोड प्लस विंड लोड कॉम्बिनेशन, डेड लोड प्लस सेस्मिक लोड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन करते हुए हम लोग को विद द हेल्प ऑफ आईएस कोड स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है। थैंक यू। ये मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर था। थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को जो जो मेथड है डिज़ाइन के, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस, दो वर्किंग और लिमिट दोनों बताऊंगा और उसका डिफरेंस बताऊंगा, और उसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।